बहुत ही लंबा जाम जो है लगा जरूर हुआ है। शाम से जो बताया जा रहा है ये जाम लगा हुआ आईटीआई फ्लाईओवर से लेकर सेक्टर 12 फ्लाईओवर तक जो है जाम लगा हुआ है। जी हाँ, क्या कुछ कारण है, ये कारण अब तक भी क्लियर नहीं हो पाए हैं। ये देख सकते हैं ऊपर जो है जाम जरूर लगा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। बहुत जो है लंबा जाम है, कम से कम भी 2 से 3 किलोमीटर जो है ये जाम लगा हुआ है। गाड़ियाँ मोड़ कर वापस जरूर नज़र आते हैं नीचे करते हुए, पर फिलहाल जो है जाम का कारण क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर जो है ये जाम लगा क्यों है। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि बहुत से जो बड़े व्हीकल हैं वो भी नीचे उतरने की जो है कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द निकला जा सके। कि हाँ, देख सकते हैं ये जाम जो है आपको ज़रूर नज़र आ जाएगा दोनों सड़कें। जी हाँ, ऊपर फ्लाईओवर और नीचे की तरफ से जो है व्हीकल इस तरह से खड़े हुए हैं। फिलहाल ये इतना जो है बड़ा जाम है, बीच में पुलिस वाले भी हैं जो जाम को काबू पाने के लिए जरूर जो है डाइवर्ट करते नज़र आ रहे थे, पर फिलहाल अभी तक इस बात का पता नहीं चल पा रहा है कि क्या कुछ कारण जो है जाम के हैं। ये जाम बहुत जो है लंबा लगा हुआ है, कम से कम भी बहुत से किलोमीटर जो है जाम लगा हुआ आपको नज़र आ जाए। जाम जो है फिलहाल अभी तक भी खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें हैं आईटीआई चौक से जहाँ पर आपको नज़र आएगा कि कितना जो है लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है। सामने की तरफ से आईटीआई चौक जो है आगे की तरफ जाता है लिबर्टी चौक की तरफ, वहाँ से गाड़ियाँ वापस जो जरूर आती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ, ये ट्रैफिक आप देख सकते हैं, बस देख सकते हैं, बस को भी जो है हरियाणा रोडवेज की वापस लेकर जाया जा रहा है टर्न कर, और ये लंबा जाम आईटीआई चौक भी जो है पीछे चला गया है, निर्मल कुटिया चौक भी पीछे चला गया है। फिलहाल अब तक भी जो है जाम का कारण सामने नहीं आया है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, जो फ्लाईओवर है वो जो है गाड़ियों से आपको बहुत भरा हुआ ज़रूर नज़र आ जाएगा। बहुत से लोग पीछे से ही टर्न कर वापस जरूर जाते हुए दिखे, लेकिन यहाँ पर कारण, जी हाँ, कारण नहीं समझ आ रहा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, नीचे की तरफ लोग जो है उतर कर टर्न कर वापस जाते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। ये बड़े व्हीकल भी जो है नीचे उतर रहे हैं, और जान के क्या कुछ कारण है इस बात का पता नहीं है। और जगह जगह पुलिस भी फिलहाल खड़ी हुई है। जी हाँ, और यहाँ पे देख सकते हैं इनको खड़ा किया हुआ है, काफ़ी जो व्हीकल्स हैं वो खड़े हुए हैं, और बहुत जो है ज़्यादा जाम है। देख सकते हैं कि आगे तक जो है आपको जाम नज़र आ जाएगा कि क्या कुछ हुआ है, एक बार जानने का प्रयास ज़रूर किया जाएगा। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ से जो है बलड़ी बाईपास आने को है, और अभी तक भी जो है जाम नहीं खुलता हुआ कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो है भारी जाम लगा हुआ है, और शाम से बताया जा रहा है ये जाम लगा है। हाईवे 44 इस वक्त बुरी तरह से जाम है। जी हाँ, बुरी तरह से जाम है, और बिल्कुल चींटियों की तरह रेंग रेंग कर जो है गाड़ियाँ आगे बढ़ रही है। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं करनाल से, करनाल नेशनल हाईवे से जो दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे है वहाँ से, वहाँ पर बहुत लंबा जाम जो है शाम से लगा हुआ है। जी हाँ, देख सकते हैं मौके पर जो है पुलिस तैनात जरूर की गई है। बताया जा रहा है कि पीपली की तरफ जो है एक हाई वोल्टेज तार टूट गई है, जिसका जो है काम फिलहाल चल रहा है, इसीलिए यहां से यानी कि बलड़ी बाईपास से जो है रोड भी डाइवर्ट किया हुए हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि जो लाइव तस्वीरें हैं इस वक्त की, बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा जो है ट्रैफिक उलझ गया है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि पीपली में हाई वोल्टेज तार जो है वो टूट गई है, उसका काम ज़रूर चला हुआ है। मौके पर पुलिस जो है पहुंची हुई है, और सभी जो है रूट डाइवर्ट करवाए जा रहे हैं इंद्री की साइड से। देख सकते हैं पुलिस जो है तैनात कर दी गई, और ये रोड है जो इंद्री की तरफ जाता है, यानी इंद्री वाले हाईवे से सारे ट्रैफिक जो है डाइवर्ट कर दिया। पुलिस यहाँ खड़ी है, डायल 112 की गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई है, ताकि कोई भी जो है अनहोनी ना हो सके और कोई भी व्हीकल आगे ना जा सके। यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो है भीड़ है। ऐसा कहा जा रहा है कि पीपली के पास जो है एक जो है हाई वोल्टेज तार जो बताया जा रहा है कि टूट गई है पीपली के पास, जिसके चलते सारा ट्रैफिक जो है इंद्री की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। जी हाँ, इंद्री रोड से आपको ये तस्वीरें दिखा
आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर भी जाम की स्थिति जो है ज़रूर बनी हुई है। अगर आपको आज जो है नेशनल हाईवे 44 से जाना है तो उस पर ज़रूर बचें, क्योंकि ये तस्वीरें आपको इंद्री की तरफ से जो है रूट डाइवर्ट कर जाना पड़ेगा। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हैं जहाँ पर पीछे जो है करनाल के हाईवे पर बहुत ज़्यादा जाम है, क्योंकि जिसको भी पीपली जाना है, चंडीगढ़ जाना है, इसी हाईवे का इस्तेमाल किया जाता है और वो लोग जो है अब कहीं ना कहीं बहुत सी असुविधा जरूर देखने को मिल रही है। फिलहाल मरम्मत का कार्य बताया जा रहा है चल रहा है। जो बातचीत की है पुलिस से, उन्होंने यही कहा है कि आगे मरम्मत का काम चला हुआ है, वोल्टेज हाई वोल्टेज तार है जिसके चलते किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ये तस्वीरें इंद्री रोड से है जहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है, पीछे की तरफ काफ़ी जो है जाम जरूर लगा हुआ है। तो आपसे अपील रहेगी वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें। जाम जरूर लगा हुआ है। जी हाँ, फिलहाल एम्बुलेंस अपना रास्ता निकालती हुई आगे जरूर बढ़ रही है। ये तस्वीरें हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। फिलहाल इंद्री की तरफ से जो है रूट डाइवर्ट करवा दिया गया है और कोई भी व्हीकल इस रोड पर ना निकले। यहाँ देख सकते हैं कि नए बस स्टैंड के पास भी पुलिस तैनात की गई है ताकि इधर से भी कोई जो है बस ना जाए गलती से भी। तो आपसे अपील, वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते रहे। देख सकते हैं कि किस तरह से फिलहाल जो है नए बस स्टैंड में भी कोई व्हीकल नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि जो नए बस स्टैंड का मेन जो है गेट उस तरफ से खुलता है जो फिर रोड जो है आगे उसी साइड जाती है, पीपली की तरफ जाती है, इसीलिए गलती से भी कोई व्हीकल वहां ना जाए। तो नए बस स्टैंड के पास भी पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। तो आपसे भी अपील रहेगी कि अगर आप आज पीपली की तरफ निकल रहे हैं इस वक्त, तो कृपया जो है आपको इंद्री रोड से जाना पड़ेगा, या फिर अगर ज़रूरी काम नहीं है तो आप ना जाए, क्योंकि घंटों तक का लंबा जाम लगा हुआ है। जी हाँ, उस वायर का, क्योंकि हाई वोल्टेज तार है तो उसको मरम्मत के लिए भी काफ़ी समय ज़रूर लग रहा है। जी हाँ, काफ़ी समय ज़रूर लग रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें हैं कि जाम को है जो इसी तरह से खुलवाया जा रहा है रूट डाइवर्ट कर, क्योंकि जिन लोगों को पीपली ही जाना है तो उनको आगे ज़रूर जाना पड़ेगा ताकि जो है नीचे की तरफ से खुलवाया जा सके। आपसे अपील रहेगी वीडियो को आप शेयर जरूर करें। बड़ी ही मुश्किल है, ये देख सकते हैं तस्वीरें जहाँ बड़े बड़े व्हीकल जो है नेशनल हाईवे से निकलते हैं जिसके चलते ये जाम लगा हुआ है। जी हाँ, इस रोड से जो है पूरा ट्रैफिक इंद्री की तरफ जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। यहाँ पुलिस जो है हर जगह तैनात की गई है ताकि किसी भी तरह की जो है असुविधा ना हो और किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसका करंट जो है फैल जाए हाईवे पर जिसके चलते और कोई अनहोनी ना हो। अभी भी जो है ट्रैफिक जाम उसी तरह बना हुआ है, हालांकि धीरे धीरे कर गाड़ियां जरूर निकलती हुई नज़र आ रही हैं। तो आपसे अपील, वीडियो को शेयर जरूर करें। ये जाम जो है कम से कम भी सेक्टर 12 चौक से लेकर इंद्री रोड तक लगा हुआ है, बलड़ी बाईपास तक लगा हुआ है। जी हाँ, लाइव तस्वीरें आपको दिखाई हरियाणा के करनाल से। सभी से अपील करूँगी वीडियो को शेयर करें। मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।